अर्जुन खिड़की के साइड में खड़ा हो गया और अपनी जेब में अपने हाथों को डालकर खिड़की से बाहर देख रहा था। आज उनकी वेडिंग का दिन था, उसे खुश होना चाहिए और अच्छा महसूस करना चाहिए कि वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने अवंतिका से शादी करने वाला है। पहली बार जब उसके मम्मी पापा का तलाक हुआ था, आज वो दोनों एक ही जगह पर होंगे। लेडी खन्ना जो हाल ही में उसकी पत्नी के साथ मिलकर आई थी, और बाकी खन्ना परिवार भी वहां पर होगा। निलेश भी उसके ससुर के रूप में वहां पर होगा और दोनों बच्चे भी उन दोनों की शादी को देखने के लिए वहां होंगे। अवंतिका एक छोटे से लेकिन इंटीमेट वेडिंग सेरेमनी रखने के लिए उसके सजेशन पर एग्री हो गई थी और वो उसे पत्नी के रूप में मिलने से लकी नहीं हो सका। हालांकि वो अभी भी बेचैन था कि आलोक अभी भी वहीं बाहर था, कहीं भी उसके खिलाफ बदला लेने की तैयारी कर रहा था। उसने पास्ट में कुछ गलत किया होगा और सोचा कि वो इससे दूर हो जाएगा। फिर भी उसे शक और डर था कि आलोक अवंतिका और दोनों बच्चों का यूज करके उन्हें चोट पहुंचाएगा। मनीष के साथ उनकी आखिरी मीटिंग के बाद जनरल सिटी स्काउट कर रहा था और आलोक के ठिकाने की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था। कुछ अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स थी कि उसने वो सिटी छोड़ दी होगी, लेकिन अर्जुन आलोक को उसकी पत्नी को चोट पहुंचाने के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकता था और सिक्योरिटी पर्सनल को उसकी देखभाल के लिए बढ़ा दिया था। उसने सोचा कि क्या उसके पास्ट के बारे में उसकी चुप्पी किसी भी तरह से अवंतिका को अनकंफर्टेबल बना रही है। भले ही वो जानने के लिए क्यूरियस थी, अगर वो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी तो वो उसके बारे में बात करने के लिए इंतजार करेगी। फिर उसने अपूर्व को वापस बचाने के लिए क्या किया? वो पहले से ही उसके पास्ट का एक हिस्सा माना जाएगा जिसे बदला नहीं जा सकता है। उसने गलत किया था, वो अब जानता था। हालांकि जब उसके अंकल के बाद उसके करीब एक और परिवार के सदस्य को खोने का विचार आया, अर्जुन इसे एक्सेप्ट नहीं कर सका। गुस्सा और निराशा के एक पल में उसने अपने भाई को बचाने के लिए अपने हाथों को खून से दाग दिया। सच में उसने अपूर्व की जिंदगी को बचाने के बाद सोचा नहीं था कि फ्यूचर में क्या इंतजार कर रहा होगा। अगर ये अपने पापा और सोनी परिवार के सपोर्ट के लिए नहीं था तो उसे और अग्रवाल परिवार को उसके वॉयलेंट कामों से एक बड़ा झटका भुगतना पड़ता। ऐसा समय था जब अर्जुन चाहता था कि उसने लापरवाही से व्यवहार नहीं किया होता। उसके कामों के रिजल्ट ने उसे समझाया था कि उसकी जिंदगी भी मायने रखती है, न केवल अपूर्व की। आखिर में वो खुद को समझा नहीं पाया कि सब ठीक था। फिर भी वो इस मौके को जाने नहीं देगा और अपनी पत्नी से शादी करेगा। गेट से एक नॉक ने उसे पास की दुनिया से बाहर निकाला। अर्जुन, क्या आप वहाँ? क्या आप ठीक हो? उसने बाहर से अवंतिका की आवाज सुनी। उसकी आवाज में चिंता और उदासी दोनों थी, जिसने उन्हें अनकंफर्टेबल बना दिया। अर्जुन गेट की तरफ चला गया लेकिन इसे खोला नहीं। उसकी मम्मी और लेडी खन्ना ने जोर देकर कहा कि उसे सेरेमनी से पहले दुल्हन को नहीं देखना चाहिए। हाँ, मैं यहाँ हूँ, अर्जुन ने जवाब दिया। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, बस चेक करना था कि आप ठीक हैं। क्या आप श्योर हैं कि आप ठीक हैं? आप जानते हैं कि आप हमेशा मुझसे बात कर सकते हैं जब भी आपको मेरी जरूरत हो, अवंतिका ने रूम के बाहर से कहा। ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि क्या करना है। अर्जुन गेट के दूसरी तरफ अपनी पत्नी के प्यारे चेहरे को इमेजिन करते हुए गेट के पास चला गया। वो शायद उसके निचले होठों को चबा रही होगी। वो अभी उसका चेहरा देखना चाहता था, लेकिन उसे अपनी मम्मी और ससुराल वालों के वादे को पूरा करना पड़ा। पॉजिटिव, तुम कैसी हो अवंतिका? क्या तुम तैयार हो गई हो? उसने धीरे से पूछा, लेकिन दूसरी तरफ से अवंतिका के सुनने के लिए ये काफी था। ठीक हूँ, हाँ। उन्हें मेरे कपड़े पहनाने और मेरे बालों को ठीक करने में बहुत समय लगा, अर्जुन ने उसकी हंसी सुनी। मम्मी और लेडी खन्ना अच्छे से जानती हैं कि कैसे उसकी सेरेमनी के दिन एक आलू को सुंदर बनाना है। अवंतिका, तुम सुंदर हो, मुझे यकीन है कि वे तुम्हारी सुंदरता को नहीं बदल सकती, लेकिन तुम्हें ये देखने दिया कि इसके बजाय तुम सच में कितनी सुंदर हो, अर्जुन ने कहा। वो और कहना चाहता था, लेकिन रूम के बाहर से अवंतिका ने जोर से बोलकर उसे रोक दिया। रुको रुको रुको, मैं इसे अपने शादी के दिन नहीं सुनना चाहती हूँ। अर्जुन, आप बेवकूफ हो। अब हंसने की बारी अर्जुन की थी। अब वो अवंतिका के ब्लशिंग चेहरे को इमेजिन कर सकता था। बहुत बुरा, उन्हें सेरेमनी शुरू होने से पहले उसका चेहरा देखने की परमिशन नहीं थी। उससे बात करने से सच में उसकी चिंताओं और हिचकिचाहट को दूर कर दिया गया। वो साफ तरह से वो इंसान थी जिसके बिना वो जी नहीं सकता था। अवंतिका, थैंक यू, सॉरी। वो पास्ट को बदल नहीं सकता था, लेकिन वो ये श्योर करेगा कि वो आगे बहुत अच्छे दिन देगा। आप माफी क्यों मांग रहे हैं? अवंतिका ने पूछा।
क्योंकि अभी भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें मैंने अभी तक तुम्हें नहीं बताया। वो रुक गया। चीजें जो मैंने की थी और ऐसे काम जो फ्यूचर में तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं। अर्जुन ने एक्सेप्ट किया। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और गेट पर अपने माथे को आराम दिया। वो उसे सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन वो इस स्पेशल दिन को बर्बाद करने की हिम्मत नहीं करेगा। अवंतिका बाहर खड़ी थी और थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। क्या आप इससे रिग्रेट करते हो? उसके शब्द अचानक से बाहर आए। क्या तुम मुझसे नफरत करोगी अगर मैं नहीं करता हूँ? अर्जुन ने सच्चाई से जवाब दिया। हालांकि वो पास्ट को नहीं बदल सकता था, उसने अपूर्व की जिंदगी को बचाने के लिए क्या किया था? उस समय उसने सैफ्रॉन बॉलवार्ड भीड़ को बर्बाद कर दिया। इस बात की भी परवाह नहीं की थी कि इससे अग्रवाल ग्रुप बर्बाद हो सकता है। इससे अवंतिका के चेहरे पर परेशानी आ गई। तब वो उसे बताना चाहता था कि वो आलोक के बारे में बात कर रहा था। अगर उसने ऐसा कहा तो शायद उसने अभी भी अपने काम के रिजल्ट के बारे में नहीं सोचा होगा। ये उसके लिए सच में कठिन होना चाहिए। सिंगल रिस्पॉन्स देने से पहले एक पल के लिए अवंतिका चुप हो गई। ठीक है, वो किस बारे में एग्री थी? ठीक है किस बात के लिए? अर्जुन ने कन्फ्यूजन में पूछा। डार्लिंग, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था, आप मुझे कुछ भी बता सकते हैं। उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया। मैं अभी नहीं बता सकता। अर्जुन ने अपनी पत्नी के सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। अवंतिका दूसरी तरफ से हंसने लगी। आप, मैंने नहीं कहा कि आपको मुझे अभी बताना होगा। जब भी आप अच्छा महसूस करो, आप मुझे बाद में बता सकते हैं। अर्जुन अपनी बेवकूफी पर चुप हो गया। ना केवल वो बहुत ज्यादा सोच रहा था, बल्कि अपनी पत्नी को भी उसके बारे में परेशान कर दिया था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब गेट बाहर से खोला गया था, लेकिन क्योंकि उसने रास्ते को ब्लॉक कर दिया था, बीच में केवल एक दरार थी जो अवंतिका के हाथों को अंदर आने देने के लिए काफी थी, और उसे ढूंढने की कोशिश करने लगी। उसने अवंतिका के अच्छी तरह से मैनिक्योर्ड किए हुए नाखूनों को देखा और उसका हाथ पकड़ लिया। अवंतिका ने एक बार उससे शिकायत की थी कि उसके पास सुंदर हाथ नहीं थे जिन पर उसे प्राउड हो सकता था, लेकिन अर्जुन उससे एग्री नहीं हुआ। उसके हाथों में किचन में काम करने की वजह से कट्स और जलने के निशान थे, लेकिन ये केवल उसे और अप्रिशिएट करते थे। अर्जुन ने उसके हाथ को अपने चेहरे के पास रखा और उसकी हथेली को किस कर दिया। थैंक यू मैडम अग्रवाल, तुम सबसे अच्छे हो। लेकिन ऑफ कोर्स आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है प्रेसिडेंट अर्जुन, मैं आपकी पत्नी हूँ जो आपके पास इस पूरी जिंदगी में होगी। अवंतिका ने अर्जुन के गाल पर अपने अंगूठे को रब किया। वो खुश है कि उसका मूड किसी भी तरह से अचानक सही हो गया है। तुम होता कैसे होता है जाना, इश्क विश्क प्यार व्यार लफ्जों में कहा। उनकी बातचीत के बाद अवंतिका दुल्हन के रूम में वापस चली गई और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट आ गई। उसे इस तरह देखकर वर्षा और उसके दोस्तों ने एक आह भरी। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन को शांत करने के लिए उसकी प्रेजेंस ही काफी थी। अवंतिका चुपचाप बैठी थी जब उसने अपने दोस्तों को देखा और उसकी सास उसके मेकअप पर फाइनल टच दे रही थी। उसी समय संध्या अपनी गोद में बच्चे को लेकर आई। अवंतिका की आंखें चमक उठी। वो अपने पैरों पर खड़ी हुई और अपनी फ्रेंड से मिलने लगी। उसे सच में संध्या से उसकी वेडिंग सेरेमनी को अटेंड करने की उम्मीद नहीं थी, ये देखते हुए कि उसने हाल ही में एक बेटे को जन्म दिया है। तुम आ गई, उसकी आंखों में खुशी से आंसू आ गए। राधिका के विश्वासघात के बाद संध्या पहली दोस्त थी जो उसे मिली थी। तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं नहीं आऊंगी मैडम अग्रवाल, तुम मेरे बिना अपनी वेडिंग सेरेमनी शुरू नहीं कर सकती। संध्या ने उसे परेशान किया, लेकिन जब उसने अवंतिका के चेहरे को देखा जो कि उसके सोए हुए बच्चे के चेहरे को खुशी से देख रही थी, तो वो कुछ नहीं बोली। ओ, मुझे पता है कि मैंने पहले भी ये कहा था, लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा है, अवंतिका ने उसे बताया। वो सच में उन गोल मटोल गालों को पिंच करना चाहती थी, लेकिन बच्चे के रोने से उसे डर लगता था। हे, ये मत बोलना मैडम अग्रवाल मुझसे जेलस हो रही है। संध्या ने उसे छेड़ा। अगर तुम्हें लगता है कि बच्चे अडोरेबल होते हैं तो तुम अर्जुन के साथ अपने बनाना शुरू कर दो ना। संध्या, मुझे नहीं पता था कि तुमने पहले ही जन्म दिया है।
श्रेया उसके बॉस के साइड में आई और संध्या के बच्चे पर एक नजर डाली। बच्चे ने अपनी मम्मी की बाहों में हलचल की, लेकिन वो उठा नहीं। वो केवल बड़ा सा यान ले रहा था और अपनी शांति वाली नींद में लौट जाता। क्या क्या ये लड़की भी एक बच्चा चाहती है? ये मुश्किल होगा, संध्या ने हंसते हुए कहा। क्या तुमने क्या कहा? श्रेया ने उसे अजीब तरह से देखा। सच में उसके बॉस का फ्रेंड सर्कल बहुत अजीब था, तो वो उनमें से कैसे हो सकती है? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो भी उन अजीब लोगों में से एक थी। कहो श्रेया, क्या तुम्हें मेरी मैच मेकिंग सर्विसेज के साथ मदद की जरूरत है? संध्या ने जिस तरह से उसे देखा, श्रेया शिवर करने लगी। ओहो, मिस श्रेया को एक बॉयफ्रेंड की जरूरत है। राहुल उनकी बातचीत में शामिल हो गया, जिसने डिजाइनर को चढ़ा दिया। जैसे ही उसने श्रेया को देखा, वो मुस्कुराने लगा। श्रेया ने उसके सिर को दूसरी तरफ घुमा दिया। नहीं थैंक्स, सिंगल होने में मजा है, मुझे अभी किसी आदमी की जरूरत नहीं है और ना ही मैं कोई बच्चा चाहती हूँ। वैसे भी उसके पास डेट करने का कोई समय नहीं है। अगले सीजन के आने के आसपास ही वो फ्लेयर अपेरल के अगले कलेक्शन को तैयार करने में बिजी हो जाएगी। रूम तब उनकी हंसी से भर गया जब छोटी जिया ने एक एक करके फर्श से फूल की पंखुड़ियों को उठाना शुरू कर दिया, जो उसकी टोकरी से गिर गए थे। घंटों के बाद अवंतिका बाहर की तरफ चलने के लिए तैयार थी, लेकिन उससे पहले उसे एक फ्रेंड्स और सास ने हग और किस किया, जब तक उसका भाई और लेडी खन्ना उसके बचाव में आए। वैसे केवल निलेश को अवंतिका के साथ चलना था, लेकिन अर्जुन के सजेशन से अवंतिका अपनी नानी खन्ना और उसके भाई के साथ चल रही होगी। निलेश को अचानक हुए बदलाव का बुरा नहीं लगा, जब तक कि उसकी बहन उससे खुश थी। क्या तुम तैयार हो डियर? लेडी खन्ना, जो किसी तरह अपनी बीमारी से थोड़ा उबर गई थी, उसकी तरफ चली गई और उसका हाथ पकड़ लिया। उसके पीछे निलेश था, जो कि पेशेंटली इंतजार कर रहा था। हाँ वह तैयार है लेडी खन्ना, वर्षा ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि वो अवंतिका के साथ दोस्तों को छोड़ने के लिए चल रही थी। आ जाओ लेडीज, हमें लेट नहीं होना चाहिए, शादी शुरू होने वाली है। जैसे ही वो रूम से बाहर निकले, अवंतिका अपनी बेटी, उसके भाई और मोहिनी के साथ रूम में रह गई। मैं तैयार हूँ, शायद हमें अब जाना चाहिए, उसने अपने भाई के हाथ को एक्सेप्ट करने से पहले अपनी नानी से कहा, जबकि उसके दूसरे हाथ को छोटी जिया ने पकड़ा था, जो पंखुड़ियों से भरी उसकी बास्केट को बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही वो रूम से बाहर निकले, अवंतिका ने अपनी नानी की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। नानी, मेरे इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए थैंक यू। मोहिनी अपनी पोती की बातों से हैरान रह गई। उनकी छोटी सी अवंतिका ने आखिरकार उसे अपने परिवार के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था। वंदना, जो अपनी लेडी के पीछे खड़ी थी, रोने लगी। वो जानती थी कि मोहिनी के लिए ये कितना कठिन था, ये जानकर कि उसकी बेटी की मौत हो गई थी और उसकी पोती उसकी पहुंच से बाहर हो गई थी। उसके सदमे से उबरते हुए मोहिनी ने अवंतिका की आंखों में पानी देखा। उसने अपनी आंखें बंद कर दी और एक आंसू उसके चेहरे के नीचे लुढ़क गया। तुम्हारे लिए कुछ भी अवंतिका, उसने अपनी आंखें खोल कर कहा और देखा कि अवंतिका के होठों पर एक मुस्कान थी। अपनी फ्रेंड्स के साथ अवंतिका अपने भाई और नानी के साथ धीरे धीरे चल रही थी, जबकि छोटी जिया अपने भाई से मिलने के लिए उनके आगे दौड़ रही थी। डार्लिंग प्लीज ध्यान से चलो, अवंतिका ने कहा। उसे अपनी सुंदर बेटी की एक शानदार हाँ सुनाई दी। जिया उसकी सफेद वेडिंग ड्रेस का एक छोटा वर्जन पहने हुए थी। छोटी जिया ने अपनी मम्मी के जैसे ड्रेस पहनने पर जोर दिया था, जिसे अर्जुन ने आसानी से मान लिया था, ताकि अपनी बेटी के रोने के एक और राउंड से वो बच सके। निलेश ने अपना हाथ ऑफर किया, जिसे अवंतिका ने आसानी से एक्सेप्ट किया। वो देखने में उसकी मम्मी से मिलती जुलती थी, वो अंदर ही अंदर सिसक रही थी। उनके पापा को अवंतिका की शादी में डांस नहीं कर पाने का रिग्रेट होना चाहिए, और उसके साथ शादी के समय उसके साथ नहीं चल पाए, जिस आदमी से उसे प्यार हो गया था। तुम नर्वस हो? निलेश ने उससे पूछा, जब उसने देखा कि दुल्हन के रूम से जाने से पहले उसने कैसी गहरी सांस ली। थोड़ा सा, लेकिन मैं ठीक हूँ, अवंतिका ने एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जब उसकी नानी ने उसकी ड्रेस को थोड़ा सा सही किया। निलेश ने उसके हाथों को धीरे से थपथपाया और मुस्कुराया। कोई भी तुम्हारी घबराहट को नोटिस नहीं करेगा, क्योंकि तुम सभी को सदमे में डाल दोगी कि आज तुम इतनी सुंदर लग रही हो। आपकी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं नॉर्मल दिनों में अच्छी नहीं लगती हूँ? क्या मैं आपकी आंखों में सुंदर नहीं हूँ भाई? अवंतिका ने पूछा। उसके एक्सप्रेशन में उसके भाई को जोर से हंसा दिया। उसकी बहन उसे परेशान करने में एबल हो सकती है। निलेश को ये सबसे अच्छा लगा जब अवंतिका गुस्सा कर रही थी, पास की चीज को फेंकने के लिए तैयार थी,
ऑफ कोर्स सर, तुम अपने प्रेजेंस से दूसरों को मूर्ख बना सकते हो, लेकिन मेहमान को शायद पता नहीं है कि तुम अपनी आंखों में चमक दिखाने के लिए आज अपने सिंग उतार चुकी हो। नीलेश ने एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा। इतना अच्छा बड़ा भाई मेरे पास है, वो जवाब में करा उठी। लेडी खन्ना ने अपना सिर हिला दिया। ये अच्छी बात है कि संदीप का अडॉप्टेड बेटा अवंतिका के परिवार के साथ बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट हो गया था। पल भर बाद अवंतिका ने खुद को अपने भाई के पास और लेडी खन्ना के साथ उसके बाईं तरफ चलते हुए पाया। जैसे ही उसने घबराहट महसूस की, उसने नीलेश के हाथ को कसकर पकड़ लिया। जवाब में नीलेश ने उसे याद दिलाने के लिए धीरे से उसका हाथ पकड़ा कि वो ठीक हो जाएगी। जब वो मंडप तक पहुंच जाएंगे जहां अर्जुन खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था। अवंतिका के लिए बहुत हैरानी की बात है, वो बहुत पेशेंस से अर्जुन के आने का इंतजार कर रही थी। उसे थोड़ी राहत मिली जब उसे एहसास हुआ कि केवल वो ही नहीं है जो आज नर्वस फील कर रही थी। उनके मेहमानों और परिवार के लोगों ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया और दुल्हन को देखने के लिए एक्साइटेड हो गए। मंडप में अर्जुन और उसका सबसे अच्छा आदमी जो उसका असिस्टेंट अक्षय था, उसने पहले आंगन में एंट्री ली और मंडप में उसके साइड में खड़ा हो गया। म्यूजिक बजाया जा रहा है और पायल की आती हुई आवाज सुनकर अर्जुन जल्दी से सीधा खड़ा हुआ, जिसने उसके पास खड़ी उसकी मम्मी को हंसा दिया। ब्राइड्समेड्स और उसके साथ चलने वाले पेयर्स चलने लगे। उसके बाद वैशाली आई जो सीरियस दिखने वाले युवान के साथ अकेले ही चल रही थी। फिर छोटी जिया की बारी थी, जिसने दुल्हन के रास्ते में पंखुड़ियों को फैलाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब वो पंखुड़ियों से बाहर निकली तो वो सब उछलने लगी और उसकी खाली बास्केट को तब तक घुमाया जब तक कि वो वैशाली की तरफ नहीं पहुंच गई। फिर आखिरकार दुल्हन आई और लेडी खन्ना और उसके भाई के साथ मंडप तक उनके साथ चलने लगी, जब तक उसकी दूल्हे से मुलाकात नहीं हुई। ये नीलेश था जिसने अर्जुन को अपनी बहन का हाथ दिया था। अर्जुन ने नीलेश को देखकर सिर हिलाया। इससे पहले कि दोनों अपनी नजरों को एक्सचेंज करते, अवंतिका की आंखें अर्जुन के हाथों पर गुलदस्ते को घूर रही थी। जैसे उसने अपने पति की नजर को खुद पर महसूस किया, वो अपने गालों को जलता हुआ महसूस कर सकती थी और उम्मीद कर रही थी कि सफेद वेल उसके चेहरे को छिपाने के लिए काफी है। अर्जुन को पता था कि आज उसकी पत्नी सुंदर होगी, लेकिन वो उसे अपनी उम्मीद से ज्यादा सुंदर देखने के लिए तैयार नहीं था। उसकी आंखें उसे ऊपर से नीचे देख रही थी जब वो अपने भाई और उसकी नानी के साथ चलकर आ रही थी, और उसे उस मुस्कान को मुश्किल से दबाना पड़ा जो उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। उसकी मम्मी और लेडी खन्ना की खूबसूरत सफेद ड्रेस सच में बहुत शानदार थे, यहाँ तक कि उसने अवंतिका की स्कर्ट के हेम पर और चोली पर कुछ नाजुक फूलों की कढ़ाई देखी। कुल मिलाकर उसने सोचा कि उसकी पत्नी अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत दुल्हन थी। उसकी आंखों के कोने से अवंतिका ने उसे देखा और मुस्कुराने लगी। जब उसने अर्जुन को खुद को घूरते हुए देखा, भले ही उसे इस बात पर राहत मिली हो कि वो केवल नर्वस नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं था कि वो इससे पूरी तरह छुटकारा पा सकती थी। अपने विचारों को एक तरफ रखकर उसने खुद को पंडित के शब्दों पर ध्यान से फोकस करने की कोशिश की और उसने खुद को शांत करने की भी कोशिश की। और अब कपल अपनी अपनी कसम एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। पंडित ने पहले अवंतिका की तरफ अपने हाथ से इशारे के साथ अनाउंस किया। अवंतिका ने खुद को उसे याद करने के लिए मजबूर किया जो उसकी नानी ने उसे कहने के लिए तैयार किया, लेकिन ये याद नहीं कर पाई। डैम इट, ये सब उसके दिमाग ने इस जरूरी पल में कॉपरेट करने से मना कर दिया। आखिर में उसे एक बिना सोची हुई स्पीच बोलनी पड़ी। उसने अपने गले को साफ कर दिया क्योंकि उसका कांपता हुआ हाथ अर्जुन के पास पहुंच गया, लेकिन उसने उसकी जरूरत से लड़ने की कोशिश भी की जब अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दी। वो इतनी घबराई हुई क्यों थी? अर्जुन आप और मैं दोनों जानते हैं कि मैं कभी इतनी नर्वस हो जाती हूँ, डिसीजन लेना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन अगर मेरी जिंदगी में कोई एक डिसीजन है जो मुझे पता है कि सही है, तो ये आपके साथ मेरी बाकी की जिंदगी बिताना है। मेरे पास आपको पसंद करने के लिए बहुत से कारण हैं। मुझे आपका सोचने का तरीका पसंद है और आपके पास मुझे प्यार करने की एबिलिटी है। मेरे साथ आपकी ईमानदारी और हमारा रिश्ता मुझे बहुत पसंद है। मुझे पसंद है जब भी मैं कहती हूँ कि आपको अपना बिजनेस छोड़ना चाहिए
और एक नॉर्मल कपल की तरह डेट करने के लिए आप अजीब तरीके से एक्साइटेड हो जाते हैं। अवंतिका ने घबराते हुए उसके होठों को काटा। पता नहीं क्यों वो अचानक उस पल में डर रही थी। मैं पसंद करती हूँ जब आप सच में जोर से हंसते हैं, तो आपकी एक आंख बंद हो जाती है। मैं आपके साथ पेशेंस रखने का वादा करती हूँ, भले इसका मतलब है कि मुझे आपकी चीजी लाइंस और आपको ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए गवर्नमेंट और दुनिया पर हावी होने के लिए दावा करना होगा कि आप हॉटनेस प्लैनेट को संभालने के लिए बहुत ज्यादा हैं। जिन लोगों ने इसे सुना वे उसकी कसम पर हंसने लगे, लेकिन ये अवंतिका के लिए काफी था कि उसकी नजरों को शांत करे और बोलना कंटिन्यू रखे। मैं जानती थी जिस पल मैंने आपको देखा था आप हमेशा से मेरे थे, किसी तरह मैं आपको अपना बनाने और आपके साथ रहने के लिए दृढ़ थी, और इस दिन से आगे मेरा दिल पूरी तरह से आपका है। जब हम अपनी जिंदगी में एक साथ आगे बढ़ते रहते हैं तो मैं आपको अपने सभी शब्दों को जरूरत में देने का प्रॉमिस करती हूँ, और साइलेंट में शेयर करने के लिए जब वे नहीं है। जब आप कमजोर हो जाओगे तो आपके साथ रहूंगी, आपको बिना शर्त प्यार करूंगी। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक आपकी और आपके परिवार की केयर करूंगी, आपके साथ हमेशा एडवेंचर करूंगी, सोने से पहले हर रात मैं आपसे प्यार करूंगी। सबसे अच्छी मम्मी होने के लिए मैं, जैसा कि हम एक साथ एक परिवार को बनाएंगे और हमेशा मेरी आत्मा के सबसे गहरे पार्ट को जान सकते हो कि जब चैलेंजेस आएंगे तो हम हमेशा अपना रास्ता एक दूसरे के साथ ढूंढ लेंगे। अर्जुन, आप मेरे सब कुछ हो और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। उसकी आंखों ने अर्जुन को प्यार से देखा। अर्जुन का दिल भर आया। अब अपने दोस्तों और फैमिली के लोगों के सामने कसम खाने की बारी अर्जुन की थी। अवंतिका, जब हम पहली बार मिले थे मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन आएगा, लेकिन अब हम यहाँ पर हैं। मैं किसी को चुनने के बारे में नहीं सोच सकता हूँ, लेकिन तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी। मुझे तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारा केयरिंग नेचर और वो चेहरा जो तुम बनाते हो जब तुम्हें कुछ अच्छा लगता है, सब बहुत पसंद है। मैं तुम्हें सपोर्ट करने का प्रॉमिस करता हूँ, तुम्हें रिस्पेक्ट देने के लिए और बिना शर्त के प्यार करने के लिए, यहाँ तक कि जब हम किसी बात पर डिसएग्री हो जाएंगे तब भी मैं प्यार करूँगा। मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं तुम्हारे बिना कहाँ रहूँगा, और मैं मेरी तरफ से तुम्हारे साथ इस पागल जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। आई लव यू अवंतिका। अर्जुन रुक गया जब उसने उसके शब्दों से अवंतिका की आंखों में आंसू देखे। ये सबसे लंबा शब्द होगा जो उसने कुछ समय पहले कहा था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसने खुले तौर पर अपने प्यार का अनाउंसमेंट किया। पति क्या है, मुझे मानना चाहिए। मुझे यकीन नहीं है, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ, और मैं तुम्हारे प्यार की वजह से एक अच्छा इंसान हूँ। एक पति को एक अच्छी शादी बनाती है, ढालती है और एक अच्छी जिंदगी देती है। अगर पति का मतलब यही है तो मैं तुम्हारा अच्छा पति बनने के लिए तैयार हूँ। अवंतिका फिर से एक उलझन में थी। वो केवल याद कर सकती थी कि अर्जुन उसकी उंगली में शादी की रिंग पहनाने के लिए उसका हाथ पकड़ना चाहता था। वो उससे अपनी नजरें नहीं हटा सकती थी और कसम खाने के बाद उसके हाथ को पकड़ कर रखा था। रिंग्स को एक्सचेंज किया गया था और प्यार और कमिटमेंट की कसमें दी गई थी। अब ये समय था कि वो एक दूसरे को किस करते। जैसा कि उन्हें ऑफिशियल तरीके से पति और पत्नी के रूप में अनाउंस किया, अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और धीरे से उसकी पत्नी के वेल को वापस खींच लिया, जिससे उसे अवंतिका के बालों पर रख दिया। अवंतिका की आंखें चमक उठी और खुशी के आंसू निकल गए और अर्जुन को किस किया। जब अर्जुन ने उसे दूर खींच लिया तब अवंतिका जोर से हंसती। क्या आप खुश हो? उसने अपने होठों के कोने से लिपस्टिक के निशान को पूछते हुए पूछा। बहुत, अर्जुन ने कहा और फिर से उसे किस कर दिया। तुम होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा। सेरेमनी के चालू रहते हुए मनीष अनकंफर्टेबली अपनी सीट पर बैठ गया। अगर उसकी मम्मी ने अपनी कंपनी पर जोर नहीं दिया होता तो वो अपनी एक्स फियांसी की शादी में नहीं आता। उसने शक जताया कि अवंतिका उसकी प्रेजेंस को ध्यान में रखेगी, और एक अच्छी बात थी कि उनकी पिछली सगाई को पब्लिक में अनाउंस नहीं किया गया था।
हालांकि इसका मतलब ये नहीं था कि उसके दिमाग में अवंतिका का उसके साइड में खड़ा होना पूरी तरह से निकल चुका था। इससे पहले निखिल ने बेशर्मी से उसे याद दिलाया कि अवंतिका की शादी को बर्बाद ना करे, जिसे वो एक्सेप्ट करने से मना कर रहा था। निखिल ने उसे बताया था कि वो उन टीवी ड्रामा की तरह नहीं होगा जहां दूसरी पार्टी को खराब कर देगी और दुल्हन उसके अटूट प्यार को एक्सेप्ट करेगी। उन सिनेरियोज में दुल्हन दूल्हे को मंडप में छोड़ देगी और उस आदमी के साथ भाग जाएगी जिसने अपनी शादी को टाल दिया था। मनीष ने अपना सिर हिला दिया। ऐसा नहीं होने वाला था। उनके मुकाबले लिमिटेड थे और उन्हें फैमिली मेंबर्स या दोस्त भी नहीं माना जा सकता है। अग्रवाल परिवार ने भले ही उन्हें कर्टसी से इनवाइट किया है, अगर वो शादी पर ऑब्जेक्शन जताता तो ना केवल खुद को शर्मिंदा करता बल्कि वो अवंतिका के स्पेशल दिन को भी बर्बाद करता। इसके अलावा वो जो भी करेगा जरूर ये उन दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। वो केवल एक सफेद रुमाल से अर्जुन को अवंतिका के आंसू पोंछते हुए देख रहा था। ये खुशी के आंसू होने चाहिए और वो प्यारी ब्राइट मुस्कुराहट वो केवल अर्जुन के लिए है। क्या तुम्हें अब इसका पछतावा हो रहा है? उसकी मम्मी ने उसे साइड से कहा, जिससे वो अंदर तक हिल गया। मनीष जानता था कि उसकी मम्मी उसे फिर से छेड़ रही थी। वे ये वैसे भी तुम्हारी गलती है। मैंने तुम्हें अवंतिका को ढूंढने के लिए एक महीने के लिए छुट्टी लेने के लिए कहा था, लेकिन तुमने ये नहीं किया। देखो किसने उसे ढूंढ लिया और उसके बदले उससे शादी कर ली है, मैडम सोनी ने कहा। मम्मी मैं अपना काम आसानी से नहीं छोड़ सकता, आप इसे दूसरों से ज्यादा अच्छे से जानती हैं, मनीष ने जवाब दिया। मुझे पता है, लेकिन ये इतनी अफसोस की बात है। मैं सच में चाहती थी कि अवंतिका हमारे परिवार में आ जाए। मैडम सोनी ने आहें भरी और उनकी बातचीत को छोड़ना चुना। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने इसके बारे में बात की थी। वेडिंग के बाद कपल और उनके मेहमान विला के अंदर रिसेप्शन हॉल में चले गए। दुल्हन अपनी शादी की ड्रेस को रिसेप्शन की ड्रेस जो वर्षा ने तैयार की थी उसे बदलने के लिए थोड़ी देर के लिए अपनी मेट के साथ चली गई। शुरू में अवंतिका ने सोचा कि इवेंट के लिए दो ड्रेसेस होना बहुत ज्यादा है, लेकिन रिसेप्शन ड्रेस को देखने के बाद उसने बाद में अपनी सास को थैंक्स कहने का फैसला किया। उसकी शादी की ड्रेस बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव होगी और उसे कहीं भी आसपास घूमने नहीं दे रही थी, जबकि रिसेप्शन की ड्रेस जो एक सिंपल ड्रेस के साथ एक अच्छी सी नेकलाइन बनी थी जो उस पर सूट कर रही थी। इसकी चोली पर अच्छा सा वर्क किया हुआ था जिससे ये सिंपल लेकिन सुंदर लग रही थी। ये शायद उसकी शादी की ड्रेस की तरह ज्यादा महंगी नहीं होगी। ये एक साटन की ड्रेस थी जिसमें स्वारोस्की क्रिस्टल्स की स्ट्रैप बनी हुई थी। कमर की ऊंचाई ज्यादा थी और ड्रेस को थोड़ा बाहर निकाल दिया गया था जिससे स्कर्ट उसके घुटनों के ठीक ऊपर थी। ऐसा लग रहा है कि तुम एक अच्छा समय बिता रही हो, अवंतिका ने अपनी कजन वैशाली को छेड़ा जो उसकी शादी की ड्रेस में पूरी तरह से लपेट गई थी। वैशाली को अवंतिका की ड्रेस को नीचे उतारने में बहुत समय लगा था। शादी की ड्रेस में उसकी मदद करना उसके लिए लगभग मुश्किल बना दिया। हाँ ये बहुत अच्छा रहा है, मेरा मतलब है कि ड्रामा के बाद मैं घर वापस आ गई हूँ, जिससे मुझे खतरा था कि मेरे अपने पापा घर वापस नहीं आए। मैं सच में खुश हूँ कि मैं यहाँ वापस आ गई। तो तुम्हें मेरे देवर की असिस्टेंट बनकर काम करना कैसा लगा और इसके साथ वापस आना कैसा लगा? अवंतिका के चेहरे पर खिलने वाली मुस्कुराहट ने वैशाली को अजीब महसूस कराया। वो करहा उठी और पीछे हट गई। खुशी हुई कि वो ड्रेस के अंदर फंसी नहीं थी। इसलिए मैं अपने परिवार से दूर भाग रही थी क्योंकि वे मेरे फियांसे को मिलने के लिए घर ले आए थे। मैं दीवारों से कूद गई और चोर की तरह भाग रही थी। अपूर्व ने लगभग अपनी कार से मुझे टक्कर मार दी थी। उसने अपनी कजन को उसकी बीमारी के बारे में बताने से मना कर दिया। कोई बात नहीं, क्या तुम्हें चोट लगी है? अवंतिका हाँफती हुई और उसके लूज की हुई ड्रेस को देखने लगी। इतनी ज्यादा नहीं अवंतिका, वैशाली ने आहें भरी। हाँ लेकिन मुझे खुशी है कि अपूर्व मुझे मिल गया। उसके गाल याद करके लाल हो गए। ओहो मुझे किसी तरह के जूसी सीक्रेट की खुशबू आ रही है, मुझे सब कुछ बताओ, अवंतिका ने जोर दिया। उसने नोटिस किया कि वेडिंग शुरू होने के बाद से वैशाली अपूर्व की नजरों से मिलने से बच रही थी। अवंतिका ने खुद को शादी की ड्रेस से फ्री करने के लिए स्ट्रगल किया और अपनी कजन को मदद करने के लिए थैंक्स कहा। बताने के लिए कुछ भी नहीं है अवंतिका, मैंने केवल टेम्पररी असिस्टेंट के रूप में काम किया ताकि मेरे कर्ज को उतार सकूं, और कुछ नहीं हुआ। तो अब तुम उसे कैसे अवॉइड कर रही हो? अवंतिका को जरूर अपनी कजन के दिल टूटने के बारे में पता था। अच्छा हुआ कि राहुल ने उसे सब कुछ बता दिया था। वो तरुण, अगर उसे अवंतिका की कजन के लिए कोई फीलिंग नहीं थी तो उसे साफ मना करना चाहिए था या कट कर देना चाहिए था। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो अवंतिका, वैशाली ने कहा।
मेरे और अपूर्व के बीच में कुछ भी नहीं है, समझी? हालांकि अवंतिका भी उदासी को उसकी आंखों में देख पा रही थी। तो तुम्हारे फियांसे को क्या हुआ? मैं कसम खाती हूँ कि मैं अगली बार जब भी अंकल से मिलूंगी तो उन्हें सलाह दूंगी। अवंतिका कभी भी अपने पापा के भाई के करीब नहीं रही और उसे याद नहीं कि कब उसके अंकल ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो वैशाली के साथ गलत बिहेव करेगा। मैंने उनसे कहा कि मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। हमने इसके बारे में बात की और वो मान गया कि हम इससे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अवंतिका ने अपनी रिसेप्शन की ड्रेस को बदल दिया और खुद को मिरर में देखा। वैशाली उसके पीछे आ गई और उसे ड्रेस अप करने में मदद की। तो फिर ये अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी खुश रहो वैशाली, मैं तुम्हें दुखी और रोते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। अवंतिका ने अपनी कजन को मिरर के रिफ्लेक्शन में देखकर कहा। वैशाली हल्का सा मुस्कुराई। मैं ठीक हूँ, उसने कहा, लेकिन अवंतिका को ये सही नहीं लगा। मैंने अब तक जो सबसे अच्छा काम किया वो ये सीख लिया था कि किसी ऐसे इंसान के लिए लड़ना बंद करो जो मुझे खोने के साथ ठीक था। और सबसे मुश्किल काम जो मैंने किया वो ये दिखावा है कि मैं भी परवाह नहीं करती हूँ और मैं ठीक हूँ, वैशाली ने उसके दिमाग में कहा। लेकिन वो जानती थी कि वो इससे अच्छी है। उसने किसी की वजह से खुद को स्ट्रेस नहीं दिया जो उससे ये भी नहीं पूछ सकता कि क्या वो ठीक है। अपनी कजन की बात को सुनकर अवंतिका को लगा कि वो बहुत तकलीफ में है। ये सच में वैशाली के लिए कठिन होना चाहिए। न केवल उसके अपने परिवार ने उसे छोड़ दिया बल्कि उसे उस इंसान ने भी छोड़ दिया जिसे उसने पसंद किया था। अवंतिका उसका सामना करने के लिए घूम गई, वैशाली के दोनों हाथों को पकड़ लिया। इस तरह मत भागो, ठीक है? तुम नहीं जानती, जब मुझे राहुल ने बताया कि तुम एक अजनबी से शादी करने के लिए घर चली गई हो तो मैं कितना परेशान हो गई थी। अवंतिका ने कहा, प्यार हमेशा सही नहीं होता है, ये कहानी नहीं है, और ये हमेशा आसानी से नहीं होता है। हाँ, क्योंकि उसने अर्जुन के साथ रहने से सीखा था, प्यार परेशानी को कंट्रोल करता है और एक साथ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, हमेशा पकड़ कर रखता है और कभी दूर नहीं होने देता है। हर दूसरा मिनट इसके लायक है क्योंकि उन्होंने इसे एक साथ डील किया है। युवान और छोटी जिया गार्डन के चारों तरफ भाग रहे थे, व्हाइट टाइगर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जो अपने ब्रेकफास्ट के बाद से गायब हो गया था। उनकी हंसी अवंतिका और अर्जुन के बेडरूम में सुनी जा सकती थी। रश्मि और सपना ने उसके लिए देर से ब्रेकफास्ट करने के लिए एक जगह फिक्स की और गार्डन में सबसे पुराने और सबसे बड़े पेड़ के नीचे अच्छी जगह ढूंढ ली। मौसम ऐसा हो रहा था जैसे दिन की तेज गर्मी हो। घास एकदम हरी थी जो लगभग नीले रंग की लग रही थी और आसमान में बिल्कुल सफेद बादल ये दिखा रहे थे कि आसमान कितना सुंदर था, कितना परफेक्ट है। स्प्रिंग खत्म हो गया और गर्मी शुरू हो गई। अवंतिका ने महसूस किया कि उसका बहुत जल्दी से टाइम पास हो रहा है। क्या क्रूज वेकेशन पर अपने पति से मिले हुए लगभग एक साल हो गया था। अपने बच्चों की हंसी की आवाज को सुनकर उसे इस बात का अफसोस नहीं था कि उसने वेकेशन अर्जुन और बच्चों के साथ मनाने का सोचा। अवंतिका ने सुबह की गर्मियों में अपनी बाहों को फैलाया। वो हमेशा से जानती थी कि ये एक अच्छा दिन होगा जब वो हवा के टेम्परेचर को महसूस नहीं कर सकती थी। बाहर पेड़ों में ताजी कटी हुई घास और पक्षियों की चहकती हुई आवाज आ रही थी। आसमान नीला था, बस कुछ ही बादलों ने समुन्द्र की तरफ अपना रास्ता बनाया था। सूरज पहले से ही ऊपर पीले रंग की एक गेंद की तरह बन चुका था जो दिन में ज्यादा गर्मी का वादा कर रहा था। कुल मिलाकर वो अच्छे मौसम के लिए नहीं कह सकती थी। जब वो बाहर गई तो उसके चेहरे पर तेज किरणों की गर्मी महसूस हुई। ये उसका बहुत अवेटेड वीकेंड था। उस दिन वो ट्रेनिंग और क्लासेस में बिजी रहेगी, उसे आराम करने के लिए मुश्किल से समय मिलेगा। स्कूल का साल खत्म होने के साथ फाइनल अब शुरू होने वाले थे। निलेश और मुकेश ने इंटर स्कूल कलिनरी कॉम्पिटिशन की चैंपियनशिप सक्सेसफुली जीत ली थी जिसने स्कूल रैंकिंग में अपनी सीट स्टेबल कर ली। 5 महीने हो गए थे और प्रतीक ने उसके भाई को 3 बार कुकिंग बैटल के लिए चैलेंज किया लेकिन फिर भी फेल रहा। इस बीच मुकेश ने जूनियर ईयर में फर्स्ट रैंक होल्ड की थी
जबकि सिलेक्शन के बाद से अवंतिका थर्ड रैंक पर अटक गई थी। अपने भाई के ग्रेजुएशन होने के साथ अवंतिका को उम्मीद थी कि वो देश छोड़ देगा। जल्दी वो फिर से अपने एनरोलमेंट के प्रोसेसिंग के लिए और कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए 60 वीक के कुकिंग क्लास स्कॉलरशिप में शामिल होगा। इसका मतलब था कि अब उन्हें एक दूसरे से मिलने में महीनों लगेंगे। क्या ये वो नहीं था जो वो शुरू से चाह रहा था? इसी कारण से उसने अपनी सिल्वर लीफ एकेडमी ज्वाइन की थी। अवंतिका ने अपने भाई के फैसले को सपोर्ट किया, लेकिन एक कंडीशन पर, उसे फिर से जाने की परमिशन नहीं थी और उसे हर दिन कम से कम एक ईमेल भेजनी होगी। निलेश आसानी से मान गया, ये जानते हुए कि वो अवंतिका की अच्छाइयों को ना नहीं कह पाएगा। जब निलेश अपने जाने की तैयारी कर रहा था, तब मुकेश ने एकेडमी में अपना 2 साल का कोर्स पूरा करने का फैसला किया। निलेश के साथ अपने 2 कॉम्पिटिशन जीतने के साथ मुकेश ने सिल्वर लीफ में अपनी स्टडी को ड्रॉप किया और दूसरे देश में जाकर अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने का फैसला किया। अवंतिका सोचने लगी, वर्ल्ड पेस्ट्री चैलेंज अगले महीने होने वाला है और ट्रेनिंग उसके सोने के समय को अफेक्ट करेगी। आज देर से जागने पर वो उसके पति को मॉर्निंग किस के साथ वेट नहीं कर पाई और उनके बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट शेयर नहीं कर पाई। उसकी आवाज सुनकर सपना ने उसकी बॉस को देखने के लिए चाय पीना बंद कर दिया। भले ही उनकी शादी शांति से हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उन्हें बॉडीगार्ड्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री कर दिया है। अर्जुन की लगातार बिजनेस ट्रिप के साथ उनमें से 4 हमेशा मुसीबतों से बचने के लिए अपने खाली समय में घर पर अवंतिका के साथ रहते थे। महीनों से ऐसा हुआ है, उनमें से कोई भी आलोक के ठिकाने के बारे में नहीं जानता था। शुक्र है अवंतिका बहुत कोऑपरेटिव है और अब तक उसने खतरे का सामना नहीं किया था। मिस, क्या बात है? क्या खाना आपकी पसंद के हिसाब से नहीं है? सपना ने पूछा। अवंतिका ने अपने दाहिने तरफ स्टीम्ड बन उठाया और उसे खाने लगी। उसने अपना सिर घुमा लिया, जैसा कि उसने देखा कि विशाल को झाड़ियों से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि उसके बाद बच्चों ने उसका पीछा किया था। उसके सिल्वरी सफेद फर तेज धूप के नीचे चमक रहे थे, जो अवंतिका की क्यूरियोसिटी को बढ़ा रहे थे। विशाल अब बड़ा हो गया था और वो अब मैच्योर लग रहा था। जब वो अवंतिका के पास पहुंचा तो उसके पैरों के पास बैठ गया और उसके बोलने का इंतजार करने लगा। ये उनका रोज का रूटीन था। जब अवंतिका और अर्जुन घर पर नहीं होते तो व्हाइट टाइगर को दोनों बच्चों का ध्यान रखना पड़ता था, ये श्योर करने के लिए कि कोई भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। जब अवंतिका घर में रहती तो वो उससे अटेंशन पाने की कोशिश करता। रुद्र ने एक बार अवंतिका से कहा था कि उसके व्हाइट टाइगर का ज्यादातर समय दोनों बच्चों के रूम में सोने में बिजी होता है और केवल तभी एक्टिव होता है जब कोई आसपास होता है। नहीं, ये ठीक है। मुझे लगता है कि हम बहुत दिनों से अपनी नानी से मिलने नहीं गए। मुझे जतिन अंकल ने कल रात फैमिली डिनर के लिए इनवाइट किया है, अवंतिका ने जवाब दिया। अर्जुन के साथ उसकी शादी के 1 महीने बाद मोहिनी ने वापस खन्ना हवेली में जाने का फैसला किया। वो कह रही थी कि वो बहुत लंबे समय के लिए यहाँ नहीं रह सकती है, वरना अवंतिका किसी भी बच्चे को जल्द ही कन्विंस नहीं कर पाएगी। अवंतिका केवल उस पर हंसने लगी। वो अब महीनों तक अपनी कॉन्ट्रासेप्टिव गोलियों से दूर रही और अभी तक अपने बिजी शेड्यूल के साथ वे एक दूसरे को रात में ही देख सकते थे। और जब अगला दिन पहले से उनका इंतजार कर रहा था, तो आज रात को हमें आपके विजिट के लिए आगे की तैयारी करनी चाहिए, रश्मि ने पूछा, जो कि सपना के पीछे खड़ी है। कोई बात नहीं सपना, मेरे पति अपनी एक बिजनेस ट्रिप से आज रात को वापस घर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि अक्षय जरूरी तैयारी करेंगे। अक्षय का नाम सुनते ही रश्मि का शरीर अकड़ गया और वो दूर देखने लगी, जबकि सपना उसके हाथ पर हल्के से खांसी दूसरी लेडी को साफ तरह से चढ़ाने लगी। अवंतिका थोड़ा कंफ्यूज हो गई। वो जानती है कि दोनों बॉडीगार्ड्स के बीच कुछ अनस्पोकन शब्द चल रहे थे। रश्मि, क्या अक्षय के साथ कुछ गड़बड़ है? अवंतिका ने पूछा। रश्मि के चेहरे को सफेद से लाल में बदलते हुए देखकर सपना को हंसी आ गई। अवंतिका ने सपना की तरफ देखा और पूछा, इसमें हंसने जैसा क्या है? सपना ने अपने हाथों से चाय की कैटल नीचे रखी और उसकी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे। I'm sorry, miss. ये रश्मि थी जिसकी केशव के कारण मिस्टर अक्षय के साथ कुछ दिन पहले बहस हुई थी। उसने कहा कि मिस्टर अक्षय उसके भाई को गलत चीज सिखा रहे थे। वो पागल है, उसे मेरे भाई को साइबर सिक्योरिटी सिखानी चाहिए, ना कि इंटरनेट पर पोर्न साइट्स को कैसे हैक करना है। रश्मि ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। अक्षय ने क्या कहा? क्या उसने मना किया? अवंतिका ने उससे सवाल पूछा। सपना ने अपना सिर हिला दिया। नहीं, उसने मना नहीं किया। इसके बजाय मिस्टर अक्षय ने कहा कि केशव जैसे आदमी के लिए ऐसी साइट्स का सामना करना नॉर्मल है।
लेकिन रश्मि ने कहा कि उसका भाई बहुत छोटा है जिसे एक्सपोज नहीं किया गया था। आखिर में उसने ये फैसला किया कि वो उसे क्या सिखा रहा है उसके बारे में फ्यूचर में रश्मि को नहीं बताएगा। अवंतिका ने रश्मि के लाल चेहरे को देखा, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये एम्बैरेसमेंट की वजह से था या गुस्से से लाल हो रही थी वो। फिर भी ये पहली बार था जब उसने उसे अपने कैरेक्टर से बाहर देखा था। जूते कारपेटेड फर्श पर रखे गए। अर्जुन ने व्हाइट शर्ट के ऊपर एक जैकेट को एडजस्ट किया। उसकी शर्ट एक लूज कॉलर के साथ खोली गई जब उसने टाई को हटा दिया और ऊपर के बटन को खोल दिया। जबकि अवंतिका भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, वो नई ड्रेस के साथ चल रही थी जो उसके काल्स के ठीक ऊपर थी। ड्रेस की स्कर्ट पर बीड वर्क और कढ़ाई वाले फूल के डिजाइन का स्पॉट किया। अपने बालों के साथ एक साइड पोनी टेल्स बनाए हुए थे और एक सफेद मोती के ऑर्नामेंट को गले में पहने हुए थे। अवंतिका ने ढीले वेव्स में इसके बाकी हिस्सों को घुमाया। जैसे उसने अपने पति को उसकी तरफ देखते हुए देखा, वो कुछ नहीं कर सकी लेकिन मुस्कुराने लगी। आप जानते हैं कि आपको डिनर के लिए हमारे साथ नहीं जाना है। अर्जुन अभी अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आया था और थक गया था, लेकिन उसने अवंतिका और दोनों बच्चों को खन्ना परिवार में फैमिली डिनर पर साथ आने के लिए इंसिस्ट किया। ये ठीक है, मुझे जतिन अंकल के साथ कुछ डिस्कस भी करना है, इसलिए हमारे विजिट मेरा कुछ समय बचाएगी। वैसे तुम बहुत अच्छी लग रही हो। उसकी पत्नी ने धीरे धीरे घूमते हुए देखा जब उसने उसे अपनी पत्नी को अपनी बाहों में खींच लिया। अवंतिका की मुस्कुराती आंखें उसकी तरफ देख रही थी। आपने उस समय सिर्फ जवाब दिया था। कभी नहीं, अर्जुन फुसफुसाया। अर्जुन के होंठ अवंतिका की तरफ झुक गए। अर्जुन की उंगलियां अवंतिका के गाल को पकड़ने तक पहुंच गई। और क्या होगा तब जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और मेरे चेहरे पर झुर्रियां आ जाएंगी, अवंतिका ने धीरे से पूछा। उसके हाथों ने अर्जुन की शर्ट को एडजस्ट करते हुए उसके कंधे को पकड़ लिया। अगर तुम्हारा दिल तब भी वैसा ही होगा जिससे मुझे प्यार हो गया था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब अर्जुन ने अवंतिका को पकड़ा और उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई, तुम मेरी नजरों में हमेशा सुंदर रहोगी। मेरे पति ने रोमांटिक होना कब सीखा? अवंतिका हंसने लगी, लेकिन तब चुप हो गई जब उसने महसूस किया कि अर्जुन के होंठ उसके गले और कॉलर बोन तक आ गए हैं। डार्लिंग अब क्या कर रहे हो? क्या मैं डिनर के लिए नहीं जाना है? अवंतिका ने पूछा जब अर्जुन ने उसे टाइट पकड़ लिया था। जाना है पर अवंतिका, अर्जुन ने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे रुकने के लिए कह रही हो? मैं एक हफ्ते के लिए बाहर गया था, तुमने मुझे याद नहीं किया? हम इसे बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं। जब अर्जुन ने उसकी नाक पर किस किया तो अवंतिका ने उसे धीरे से दूर कर दिया। हम उन दोनों को इंतजार नहीं करवा सकते हैं, है ना? मुझे लगता है कि तुम सही बोल रही हो। अर्जुन ने अवंतिका का हाथ पकड़ने से पहले अपना हाथ आगे बढ़ाया। तो चलें मैडम अग्रवाल। थैंक यू सी यू अग्रवाल, आप बहुत अच्छे हो। अवंतिका ने अपना हाथ देने से पहले अर्जुन की तरफ देख कर आँख मारी। अर्जुन ने अवंतिका के मुंह से अपने लिए नए टाइटल को सुनकर खुशी से अवंतिका की तरफ देखा। अब जब उसने अग्रवाल ग्रुप को अपूर्व की केयर में छोड़ दिया, अर्जुन अब सीईओ के रूप में एए होल्डिंग्स को हैंडल कर रहा है। अर्जुन उसे सीढ़ियों से नीचे ले गया। घर में बिल्कुल शांति थी क्योंकि दोनों बच्चे फर्श पर बैठे हुए थे और व्हाइट टाइगर के फर पर ब्रशिंग कर रहे थे। ओ, मेरे बच्चे बिजी हैं, क्या पापा और मुझे उनके बिना चले जाना चाहिए? अवंतिका ने अपने पति से अपनी आवाज पर डिसअपॉइंटमेंट से पूछा। मैंने सोचा कि वे फैमिली के साथ डिनर करने के लिए एक्साइटेड होंगे। जब बच्चों ने अवंतिका की आवाज सुनी तो दोनों एक साथ अपने मम्मी पापा को सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देख रहे थे। रुको, हम आपके साथ आ रहे हैं। छोटी जिया ने ब्रश को फेंक दिया और अपने पापा की तरफ दौड़ गई, जबकि युवान ने अपने पैरों को अवंतिका की तरफ खींच लिया और उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हम लेट हो गए? अवंतिका ने आज रात के डिनर के लिए तैयार की हुई लंबी टेबल को देखने से पहले अपनी नानी के गाल पर एक किस किया। अवंतिका को फॉलो करते हुए बच्चों ने भी मोहिनी को किस किया, उसे बड़ी सी मुस्कान के साथ ग्रीट किया। बूढ़ी लेडी ने बच्चों के सर पर हाथ रखा और उन्हें बैठने के लिए कहा और बाद में एक यमी डेजर्ट के इंतजार करने के लिए कहा। नहीं ठीक है,
तुम बिल्कुल टाइम पर आई हो। मोहिनी ने उन्हें अपनी जगह पर बैठने से पहले अवंतिका को जवाब दिया। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, क्या हम जल्द ही छोटे बन की उम्मीद कर सकते हैं? अवंतिका हंसी और उसकी नानी के साइड में सीट लेने से पहले उसके सिर को हिला दिया। नानी आप मजाक कर रही हैं ना, हमारे पास अभी युवान और जिया हैं, जो कि काफी हैं। हम बस देखेंगे और इंतजार करेंगे, अगर हमें दूसरे बच्चे की जरूरत होगी तो। जैसे डिशेस सर्व की जा रही थी, अवंतिका के पेट से जोर से आवाज आने लगी। उसकी ब्राउन आंखें अपनी नानी से अपने पति की तरफ चली गई। डियर, क्या खाना खाते समय आपको अपने फोन को साइलेंट पर रखना बहुत मुश्किल है? सॉरी डियर, हम एक जरूरी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अर्जुन ने माफी मांगी। इसकी मदद नहीं की जा सकती, वे जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वो अपनी क्रिटिकल स्टेज पर था और कोई मामूली सी गलती पूरे प्लान को अफेक्ट कर सकती थी। मुझे पता है वे सब आपके हिसाब से जरूरी है, लेकिन हम भी हैं। अवंतिका ने कहा। सीईओ अग्रवाल, क्या आप आज रात डॉग हाउस पर जाना चाहते हैं? मेरे पेशेंट्स का टेस्ट मतलब। 5 मिनट बस, मैं कॉल को खत्म कर दूंगा और मैं वापस आ जाऊंगा, आई प्रॉमिस। अर्जुन ने प्रॉमिस किया और वो खड़ा हुआ। उसने जाने से पहले अवंतिका के सिर पर किस किया। अवंतिका ने उसे जाते हुए देखा। ये पहली बार नहीं हुआ था और ये अभी के दिनों में बहुत बार हो रहा था। उसके लिए सॉरी नानी। अवंतिका, उसके लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है, एक मैरिड कपल में बहस होना नॉर्मल बात है। क्या अर्जुन हमेशा इसी तरह बिजी रहते हैं? मोहिनी ने पूछा जब अर्जुन नजर से बाहर हो गया था। वो हमेशा बिजी रहते हैं, अवंतिका ने जवाब दिया और उस मेड को थैंक्स कहा जिसने उसके लिए ड्रिंक डाला। वो अभी अभी बिजनेस ट्रिप से वापस आए हैं। जतिन जो उनकी बातें सुन रहा था चुप रहा। उन्हें अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना चाहिए। मुझे पता है कि एक बड़ी कंपनी चलाने के लिए किसी के लिए ये मुश्किल है, लेकिन अर्जुन ने तुमसे शादी की है, ना कि उसके काम के साथ। चिंता मत करो अवंतिका, मैं उससे बाद में बात करूंगा, जतिन ने अपनी भतीजी को कहा। अवंतिका शायद दुखी थी कि उसका पति अभी उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा था। थैंक यू अंकल। उसके अंकल के बोलने से अवंतिका का मूड अब अच्छा हो गया था। तुम होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार व्यार लफ्जों में कहा। ट्रेनिंग कैसी चल रही है? तुम्हारे जाने में कुछ ही हफ्ते बाकी है ना? मोहिनी ने अवंतिका से पूछा। अवंतिका ने चुपचाप खन्ना परिवार के साथ खाना खाना शुरू कर दिया। ये पूरी नहीं है, हेडमिस्ट्रेस परमार सच में एक कोच के रूप में बहुत स्ट्रिक्ट है। कोई हैरानी की बात नहीं है कि कृपा ने दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में पेस्ट्रीज को अच्छे से सीखा है। हेडमिस्ट्रेस परमार डिटेल्स के बारे में बहुत ही पर्टिकुलर रहती हैं और इस प्रोसेस पर एक छोटी सी गलती एक्सेप्ट नहीं करती हैं। स्टेक को धीरे धीरे चबाते हुए अवंतिका ने अपने टेस्ट को एंजॉय किया। उसके मुंह में एक पूरी तरह से पके हुए स्टेक के टेक्सचर को बता पाना लगभग इम्पॉसिबल था। धीरे चबाना, टेंडरनेस, जूसीनेस, ये सब का कॉम्बिनेशन था। जैसा कि उन्होंने कहा था कि फैट का फ्लेवर था, बीफ का वो माउथ फील और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर को पसंद नहीं करना बहुत मुश्किल था। जैसे जैसे वो खाती गई वो सब टेस्ट लेने लगी। उसे एक मल्टी लेयर्ड सेंसरी एक्सपीरियंस होने लगा। आंटी, ये स्टेक बहुत टेस्टी है, अवंतिका ने जतिन की पत्नी से कहा। ओल्ड लेडी ने अपने गाल को सहलाया और अपनी भतीजी की बात पर जोर से मुस्कुराई। मैंने तुम्हारी बताई हुई रेसिपी को फॉलो किया है अवंतिका, मुझे पता है कि इसका उन स्टेक के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता जो तुमने पहले बनाए थे, लेकिन मुझे खुशी है कि ये तुम्हें पसंद आए। नहीं आंटी, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। उसने अपनी आंटी को सही किया और अपने स्टेक को खाना चालू रखा। मैं देख रहा हूँ कि तुमने मेरे बिना ही खाना शुरू कर दिया। अर्जुन वापस आ गया। अवंतिका ने अपने पति को मुस्कुराते हुए देखा। उसके होंठ स्टेक खाने के कारण चमक रहे थे। अर्जुन वापस अपनी सीट पर बैठ गया और खाना खाने लगा। इसके लिए सॉरी, अर्जुन ने अपने बड़ों से कहा। यह फिर से नहीं होगा। ये अच्छा है कि ऐसा वापस नहीं होगा, हर्षित ने अपनी चुप्पी तोड़ी और अर्जुन को जवाब दिया।
अवंतिका के दुखी होने से परिवार के मूड पर भी असर पड़ेगा। आखिरकार वो उनकी प्रेशियस बच्ची थी। हाँ मिस्टर खन्ना, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। अर्जुन ने सिर हिलाया। उनकी बातचीत अवंतिका की ट्रेनिंग से लेकर दूसरे देश में वर्ल्ड पेस्ट्री चैलेंज तक पहुंच गई। हालांकि अर्जुन के शेड्यूल ने उसकी पत्नी के साथ जाने के लिए अलाउ नहीं किया था। जतिन और रजनीश ने अवंतिका के साथ जाना फिक्स किया, जबकि दोनों बच्चों को खन्ना परिवार में टेम्परेली रहना होगा जब तक कि कॉम्पिटिशन खत्म नहीं हो जाता। जैसे डिनर खत्म हुआ, अर्जुन बिजनेस के बारे में बात करने के लिए जतिन के साथ दूसरे रूम में चला गया। बच्चे अवंतिका के छोटे कजन के साथ खेलने लगे और सारे एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करने लगे जो उन्होंने डेजर्ट खाने से इकट्ठा की थी। जबकि अवंतिका को गार्डन में अकेले उसकी नानी के साथ छोड़ दिया गया। क्या तुमने सिंघानिया के बारे में कुछ सुना है? मोहिनी ने अवंतिका से पूछा। अवंतिका ने अपना सिर हिलाया और अपने बच्चों को उसके दूसरे कजन्स के साथ खेलते हुए देखा। विभा चेतना की मदद से सिंघानिया कॉर्पोरेशन के शेयर्स को स्टेबलाइज कर रही है, लेकिन कंपनी प्रतिभा और सेजल की मौत के बाद बहुत नुकसान में आ गई थी। काम पर अभी भी उसकी प्लानिंग के साथ उसने नहीं सोचा था कि सिंघानिया उसे कभी भी परेशान करेगा। बूढ़ा आदमी पहले से ही बेड रेस्ट पर है। मैं अब एक महीने से उनसे मिलने नहीं गई हूँ। उन्होंने लगातार उनसे मिलने के लिए मुझे फोन किए थे। उन्हें शायद बहुत झटका लगेगा अगर उन्हें पता चलता है कि तुम मुझसे मिलने आई थी, ओल्ड लेडी ने कहा। मुझे परवाह नहीं है कि वो क्या सोचते हैं, अवंतिका ने जवाब दिया। जब वो मोहिनी के साइड में बैठी हुई थी, अवंतिका ने उसके अंकल के साथ अपने पति की बातचीत खत्म होने का इंतजार किया। उसकी नानी के साथ कुछ समय बिताने के बाद उसे बहुत समय हो गया था और वो पूरी तरह से उस समय को इंजॉय कर रही थी और अब उनके साथ स्पेंड कर रही थी। उसका अब बिजी शेड्यूल नहीं था। दोनों बच्चों पर एक नजर डालते हुए अवंतिका खुश थी कि कितने सालों के बाद उसकी जिंदगी में खुशियां आ गई हैं। हालांकि वो जानती थी कि उसे और अर्जुन को अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। ऐसा लग रहा है कि उनकी बातें हो गई हैं, मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि उसने देखा कि वे गार्डन की तरफ जा रहे थे। अपनी सीट पर थोड़ा मुड़ते हुए अवंतिका ने मुस्कुराते हुए देखा कि अर्जुन ने गेट खोल दिया। युवान अपनी ऊंची एड़ी के जूतों पर उछलने लगा जब उसे रजनी ने नए खिलौने दिए। अवंतिका की मुस्कान बढ़ गई जब उसने अपने पति को देखा जो अपने बेटे को रजनी से बात करते हुए देख रहा था और छोटी लड़की को अपनी गोद में उठा लिया। जी हाँ, अर्जुन के साथ बहुत खुश रहती है ना? मोहिनी ने मुस्कुराहट के साथ पूछा जब उसने देखा कि तीनों धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहे थे। क्या तुम अभी भी तुम्हारे पति के साथ कुछ अकेला टाइम स्पेंड कर पाती हो? ऑफकोर्स मैं करती हूँ, अर्जुन हमेशा कोशिश करते हैं। वो हम में से किसी को भी नहीं भूलते हैं, लेकिन अभी जिया ने ज्यादातर समय दूर रहने के कारण उससे ज्यादा अटेंशन देने की मांग की है। जिया अपने पापा से ऐसे चिपक रही थी मानो उसे डर हो कि वो जल्द ही कभी भी चला जाएगा, जबकि लड़की को अपनी मम्मी से भी बहुत प्यार है। लेकिन जब भी अर्जुन वापस नहीं होता तो वो उदास हो जाती। अपने मम्मी पापा से छोड़ दिए जाने के कारण वो बहुत बुरी तरह से डर गई थी। अवंतिका केवल मुस्कुरा रही थी जब वो अपने पति और अपने बच्चों को देख रही थी। जब उसने अर्जुन से पहली बार शादी की, उसने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन जैसा इंसान कभी अपने फ्यूचर के बच्चों के लिए एक जेंटल पापा बनेगा, भले ही वो उसके अपने बच्चे नहीं थे। जब युवान ने अपनी मम्मी को देखा तो वो बहुत एक्साइटेड होकर उसकी तरफ दौड़ कर आया। उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखकर जब वो उसके साइड में खड़ा था तो अवंतिका उसे उठाने के लिए नीचे झुक गई। घर जाने के लिए तैयार? अवंतिका ने पूछा। अग्रवाल परिवार ने खन्ना परिवार को गुड बाय कहा और अगली बार फिर से आने के लिए वादा किया। दोनों बच्चे इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। उनके यहाँ प्लेमेट्स थे जो उनके पास घर पर नहीं थे। अर्जुन ने जैसे ही ऑफिस के अंदर कदम रखा, उसे एकदम से बहुत वर्कलोड आ गया था। अक्षप ने बॉस के लिए बहुत से डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट लाते हुए उन्हें चेक करने के लिए घूम रहा था। अपने लेटेस्ट प्रोजेक्ट के जरूरी पार्ट के रूप में अर्जुन कभी भी जल्दी ही कैपिटल नहीं छोड़ेगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं था कि वो इंतजार कर रहे बहुत से पेपर वर्क से बच गया था। वो पिछले एक महीने से इस महीने की रिपोर्ट को कंपेयर करने में बिजी था। जब अक्षय ने उसके ऑफिस में एंटर किया
वो बहुत सीरियस और काफी नर्वस लग रहा था। क्या कोई बात है? अर्जुन ने पूछा। उसके राइट हैंड आदमी के लिए इस तरह से एक्ट करना बहुत रेयर होता था। अक्षय शायद ही कभी किसी बारे में इतना सीरियस होता था, और जब वो होता था ये अच्छी बात के लिए नहीं होता था। हेडमास्टर्स परमार ने अभी फोन किया है। अक्षय अपनी घबराहट को छुपाने लगा। शायद उस रास्तों में एक एक्सीडेंट हुआ है। जहां अब मैडम अवंतिका और कृपा ट्रेनिंग ले रहे थे। अर्जुन का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया जब उसने अपने असिस्टेंट की बात को सुना। उसने सभी पॉसिबल बातों के बारे में सोचा जो रेस्तराओं में गलत हो सकती हैं, और वो शिवर करने लगा। वो एक पल में अपने घुटनों पर बैठ गया। उसे चिंता और डर था कि उसकी पत्नी घायल ना हो गई हो। वो अपनी टेबल के चारों तरफ चला गया और अक्षय के साथ अपने ऑफिस के बाहर चला गया। उसने अपने काम की भी परवाह नहीं की। वो सभी पेपर वर्क और मीटिंग्स इंतजार कर सकते थे, लेकिन उसकी पत्नी इंतजार नहीं कर सकती थी। क्या एक्सीडेंट? उसने फिर से कहा। मिस परमार ने मुझे डिटेल्स नहीं दी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अवंतिका मैडम ज़्यादा इंजर्ड नहीं हुई है। ये एक घंटे पहले हुआ था। वो माफ़ी मांग रही थी कि वो हमें पहले फ़ोन नहीं कर पाई थी, अक्षय ने अर्जुन को कहा, लेकिन वो अर्जुन को शांत नहीं कर पा रहा था। क्या उसकी पत्नी जतिन और हर्षित ने उन्हें खुद को ओवरवर्क नहीं करने के लिए याद नहीं दिलाया था? अगर कुछ होता है तो वो जानने वाला आखिरी आदमी हो सकता है कि वो अपने परिवार के लोगों को घर पर छोड़ गया था। अर्जुन को उनकी सलाह को सीरियसली नहीं लेने पर अफसोस होने लग गया था। वो केवल उम्मीद कर सकता है और अब प्रार्थना कर रहा था कि उसकी पत्नी खतरे से बाहर हो। अर्जुन बॉस, स्कूल से दोनों बच्चों को लेने का समय हो गया है। मैडम को उन्हें आज के दिन में पिक करना था, लेकिन उसका असिस्टेंट चुप हो गया। हम रेस्तरां में जाने से पहले रास्ते से बच्चों को पिक कर लेंगे। अगर कुछ गलत हुआ तो जब हम अवंतिका को चेक करेंगे तो उन्हें वापस घर भेजना आसान होगा, अर्जुन ने जवाब दिया। ये उसके लिए पैनिक होने का समय नहीं था। थोड़ी देर बाद अर्जुन और अक्षय रेस्तरां में पहुंचे और थोड़ी देर रुक गए। वहां बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी और दोनों ये नहीं देख पा रहे थे कि अंदर क्या हो रहा है। पुलिस, पैरामेडिकल फोर्स और फायर फाइटर के लिए रास्ता बनाने के लिए लोगों को रास्ते से हटा रही थी। उन्होंने कार के बाहर कदम रखा जबकि उनके बॉडीगार्ड्स के साथ बच्चे अंदर ही रहे, लेकिन वो खुली विंडो से ये देख पा रहे थे कि बाहर क्या हो रहा था। पापा, यहाँ क्या हो रहा है? मम्मी कहाँ है? छोटी जिया ने पैरामेडिक को आते हुए देखा और रेस्तरां के किचन के अंदर से घायलों को निकालने के लिए जब एक स्ट्रक्चर को लाते हुए देखा तो वो सिसकने लगी। मुझे नहीं पता जिया, रुको, यहाँ रुको, सब ठीक है, पापा देखेंगे कि मम्मी अभी अंदर है या नहीं, अर्जुन ने उसे बताया, लेकिन लड़की पूरी तरह से लड़खड़ा गई। नहीं नहीं, हमें यहाँ मत छोड़ो, हम भी आपके साथ जाएंगे पापा, हमें यहाँ मत छोड़ो, जिया जोर से रोने लगी। अर्जुन के पास बैक सीट का गेट खोलने और जिया को गोद में लेने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी, जबकि युवान ने अक्षय का हाथ पकड़ा हुआ था। जब उन्होंने रेस्तरां के अंदर जाने के लिए अर्जुन को फॉलो किया, अर्जुन ने भीड़ में अपना रास्ता बनाने के लिए धक्का दिया और सीन के सिक्योरिंग अथॉरिटीज से मिलने लगा। उनमें से कुछ उसे पर्सनली देखकर हैरान हो गए, लेकिन अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपनी पत्नी को देखने पर था। ये श्योर करने के बाद कि रेस्तरां में एंटर करना सेफ था, उन्होंने अर्जुन और अक्षय को अंदर जाने की परमिशन दे दी। अभी भी बिखरते हुए ग्लास के साथ धुएं और रेस्तरां को पूरी तरह से बर्बाद हुए देखा जा सकता था। अर्जुन की चिंता हर पल बढ़ने लगी जब वो अपनी पत्नी को उसके आसपास नहीं देख रहा था। जब वे मेन किचन से जुड़ने वाले रास्ते पर पहुंचे तो उन्होंने अवंतिका को फर्श पर बैठे हुए देखा, जो एक जानी पहचानी लेडी रश्मि के साइड में थी। अर्जुन के पूरे शरीर में चिंता फैल गई जब उसने अवंतिका को देखा। उसके बाल बिल्कुल छोटे थे और बिखरे हुए थे। उसके कमर तक लंबे बाल अब उसके कंधों तक दिखाई दे रहे थे। उसके चेहरे और बाहों पर कुछ खरोच और गंदगी के निशान थे। अक्षय उसी लेडी को देखकर हैरान रह गया था जिससे उसकी सुबह बहस हुई थी, जिसके शरीर में जलन और घाव के निशान थे। जब पैरामेडिक ने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो रश्मि की मदद के लिए एक और आदमी आया, और स्ट्रेचर आने से पहले अवंतिका ने एक आह भरी। उसने अपना बायां हाथ पकड़ रखा था और दीवार की तरफ छुप गई, लेकिन उसकी नज़र अर्जुन और उसकी तरफ आने वाले बच्चों की तरफ गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने चौड़ी आंखों से पूछा। ये जानकर कि वो पहले ही उन्हें देख चुकी है, अर्जुन ने जिया को नीचे उतारा और अवंतिका की तरफ भाग कर गया। उसकी चोटों को देखने लगा। मुझे सवाल पूछना चाहिए कि क्या हुआ है? अर्जुन की आवाज़ चिंता और इंपेशन से भरी हुई थी। उसकी पत्नी को पैरामेडिक्स चेक क्यों नहीं कर रहे थे? किचन में एक विस्फोट हुआ था, एक गैस विस्फोट मुझे लगता है। हम अभी भी नहीं जानते कि क्या कारण है। कृपा ने आज की एक्टिविटी खत्म कर दी थी,
और जल्दी चली गई, जबकि मैं किचन स्टाफ को गंदगी साफ करने में मदद कर रही थी, जो हमने ट्रेनिंग के समय किया था। अवंतिका ने याद किया कि कैसे रश्मि ने उसे विस्फोट से बचने के लिए दूर फेंक दिया था। मम्मी, मम्मी! जिया ने अपने हाथों के पीछे से अपना चेहरा पोंछ लिया, लेकिन वो खुद को रोने से नहीं रोक सके। हश बेबी, मम्मा सेफ है, रोना बंद करो, देखो मम्मा को कुछ नहीं हुआ है। अवंतिका ने अपनी बेटी को प्यार से सहलाते हुए कहा, जो इस समय काफी डरी हुई थी। होता कैसे होता है जानना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा। ब्लास्ट! अर्जुन ने अपनी पत्नी की बात को रिपीट किया। याद आते ही उसका चेहरा काला पड़ गया कि गैस ब्लास्ट के कारण उसके ससुर संदीप उनकी पत्नी से दूर हो गए थे। क्या यह इत्तेफाक था? शायद नहीं। उसने रिपोर्ट्स पर ध्यान देने के लिए दिमाग में एक नोट बनाया, लेकिन सबसे पहले उसे अवंतिका की सेफ्टी के बारे में श्योर करने की जरूरत थी। कहीं चोट लगी है क्या? अर्जुन ने अवंतिका से पूछा। अवंतिका ने अपना सिर हिलाया। रश्मि ने मुझे बचाने के लिए सारी कोशिश कर ली, मेरे बालों में आग लग गई थी, लेकिन कुल मिलाकर मुझे केवल कुछ चोट और खरोच आई है। आपके आने से पहले एक और पैरामेडिक ने मुझे चेक किया था। दोनों बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या चल रहा है। वे केवल एक ही बात जानते थे कि उनकी मम्मी और रश्मि को चोट लगी है। अक्षय ने युवान के साथ आगे कदम बढ़ाया। युवान ने अक्षय के हाथ को टाइट पकड़ रखा था, जैसे कि उसकी पूरी जिंदगी उसी पर डिपेंड थी। वो अपनी मम्मी और बहन के सामने बहादुर दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में किसी बात को लेकर डर और घबराहट थी। एक पल के बाद अवंतिका को बाहर लाया गया और रश्मि के साथ एम्बुलेंस के अंदर बिठा दिया। अर्जुन ने उसे पहले इन्फॉर्म किया कि वो दोनों बच्चों को अग्रवाल हवेली ले जाएगा और बाद में हॉस्पिटल आएगा। इधर निलेश हॉस्पिटल के हॉल की तरफ दौड़ा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी जब उसने प्राइवेट फ्लोर पर अपनी बहन के रूम को ढूंढने की कोशिश की। अर्जुन ने उसे उसकी स्टडीज के बीच में हॉस्पिटल जाने के लिए फोन किया था और अवंतिका का ध्यान रखने के लिए कहा था जब वो दोनों बच्चों को अग्रवाल हवेली ले जा रहा था। अर्जुन ने उसे शॉर्ट में सारी बात बताई कि रेस्टोरेंट में क्या हुआ था। निलेश ने डॉमेट्री छोड़ दी और जल्दी से प्रतीक के साथ हॉस्पिटल चला गया। शांत हो जाओ निलेश, क्या अर्जुन बॉस ने नहीं कहा था कि वो खतरे से बाहर है? प्रतीक ने उसे कहा, लेकिन निलेश केवल तभी शांत होगा जब वो अपनी आंखों से अवंतिका को देख लेगा। वो रिसेप्शन एरिया में पहुंचे और उस रूम के बारे में पूछा जहां उसकी बहन मिल सकती है। निलेश के घबराने की वजह से रिसेप्शनिस्ट ने रूम का नंबर मुश्किल से बताया। प्रतीक ने अपना सिर हिलाया और नर्स से माफी मांगी। कोई बात नहीं, अर्जुन बॉस ने फोन किया और हमें उनके आने के बारे में इन्फॉर्म किया है। लेडी वापस मुस्कुराई। निलेश पहले ही एक मिनट से भी कम समय में गेट पर आ गया था। उसने एक बार नॉक किया और गेट खोल दिया। उसकी बहन को बेड पर हॉस्पिटल के गाउन में देखा, जहाँ उसके साथ रूम के अंदर तीन बॉडीगार्ड्स भी थे। भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मुझे तुमसे ये नहीं पूछना चाहिए अवंतिका, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? उसने एक चेयर खींची और उसे अवंतिका के बेड के साइड में रख दिया। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अवंतिका ने कहा, ये जानकर कि उसके भाई को विस्फोट की बात सुनकर कितनी चिंता हो रही है। अर्जुन ने कहा कि एक गैस विस्फोट हुआ था, निलेश ने कहा, एक्सीडेंट का कारण क्या हो सकता है? अवंतिका ने नजरें नीचे कर ली और अपने हाथ की तरफ देखने लगी। अगर उसे पता चला कि यह एक्सीडेंट नहीं था और किसी ने उसे नुकसान पहुंचाने की साजिश रची थी, तो वो इसके पीछे के मास्टरमाइंड को कभी माफ नहीं करेगी। इसकी वजह से रश्मि को भी चोट लगी थी और वो अपनी वजह से अपने दोस्तों को परेशानी में देखने से नफरत करती थी। कई दिन निकलने के बाद छोटे बालों वाली अवंतिका ने खुद को कृपा के साथ हेडमास्टरेस के ऑफिस के अंदर अपनी फाइट के टिकट और कॉम्पिटिशन की सारी डिटेल्स के साथ पाया, जबकि दूसरे स्टूडेंट्स खुशी से अपने क्लासरूम से बाहर चले गए। उनके फाइनल एग्जाम्स खत्म हो गए। अवंतिका और कृपा सेमेस्टर ब्रेक को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उनके ट्रेनिंग लेसन्स बहुत जल्दी से आए और चले गए और अवंतिका बहुत खुश थी कि वो कृति की ट्रेनिंग को ज्वाइन कर पाई थी। वो साथ में बहुत खुश भी थी कि उसे उस लेडी से बहुत कुछ सीखने को मिला था। उसने सोचा कि कृति का सिखाने का तरीका रजनीश अंकल से ज्यादा कठिन था। ये तुम्हारी टिकट है,
तुम्हारी फ्लाइट अब से एक हफ्ते के बाद की शेड्यूल की गई है। अगर तुम अपने साथ इस ट्रिप में कंपेनियंस को लेकर जाते हो तो अकेडमी उन्हें अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड करेगी, इसलिए तुम्हें खुद इससे डील करना होगा। हेडमिस्ट्रेस कृति ने अवंतिका से कहा, ये जानते हुए कि वो अपने बॉडीगार्ड्स और परिवार के कुछ मेंबर्स को अपने साथ ले जाएगी। मैं समझ सकती हूँ। अवंतिका ने अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को चेक किया और खुश हुई कि अकेडमी ने उसे ट्रैवलिंग में सारी फैसिलिटी दी थी। कंपटीशन में 2 से 4 हफ्तों का समय लग सकता है, इसलिए तुम्हें इतने समय में पहली तैयारी करनी चाहिए, कृति ने कहा। अवंतिका और कृपा ने उसे थैंक्स कहा और ऑफिस छोड़ने से पहले गुड बाय कहा। जैसे ही वो बाहर निकले, कृपा ने दूर जाने से पहले अवंतिका का ध्यान अट्रैक्ट किया। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? अवंतिका ने पूछा। वो चुपचाप प्रार्थना कर रही थी कि वो उससे उसके हॉरेंडस होममेड जैम्स को फिर से टेस्ट करने के लिए नहीं कहेगी। जबकि कृपा पेस्ट्रीज बनाने में अच्छी थी, उसकी कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी। मैं अवंतिका, क्या तुम श्योर हो कि तुम अब ठीक हो? कृपा ने पूछा। हाँ, चिंता मत करो, अगर तुम चाहो तो हम कॉम्पिटिशन से पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अवंतिका ने जवाब दिया। और राय भाई बहन उसके पीछे पीछे आते दिखाई दिए। आज तक उन्होंने अर्जुन के इंसिस्ट करने पर कुछ भी नहीं कहा था, जब तक मनीष ने आलोक के गायब होने के बारे में नहीं बताया था। रश्मि के उसकी चोटों से रिकवर होने के लिए हॉस्पिटल में रहने के साथ राय भाई बहनों ने अवंतिका की नजर से दूर जाने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वो कॉरिडोर से नीचे उतरे, कुछ स्टूडेंट्स ने उनकी तरफ देखा और कम आवाज में बातचीत करने लगे। उनके वेरिंग सेरेमनी के इतने महीनों के बाद अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो विश्वास नहीं कर रहे थे कि अवंतिका ने अर्जुन से प्यार किया है, ना कि अवंतिका उनकी राय से परेशान थी। हर कोई छुप छुप कर बात कर रहा था, किसी में भी उससे इसके बारे में पूछने की हिम्मत नहीं थी। जैसा कि उसने इस बारे में बताया, उसका फोन बीप करने लगा, जिससे उसे एक मैसेज मिला। फोन को अपनी जेब से बाहर निकालकर अवंतिका अपने पति के एक मैसेज को देखकर हैरान हो गई। वो उसे अकेडमी के सामने से पिक करने आ रहा था। इश्क विश्क प्यार व्यार लफ्जों में रेस्तरां में एक्सीडेंट के बाद से अर्जुन ने अपना ध्यान अवंतिका की सेफ्टी पर फोकस कर दिया, और जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तब तक अक्षय को क्लाइंट्स और पार्टनर्स के साथ मीटिंग करने के लिए कहा। इसका मतलब ये भी था कि वो पर्सनली अपनी पत्नी को एकेडमी से पिक करेगा जब तक वो अपने दिन के काम को जल्दी खत्म कर देगा। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की याद आने पर उसकी आंखों में तेज चमक आ गई। ये ऐसा है कि किसी ने गैस सिस्टम से छेड़छाड़ की थी। आग लगने की तरफ इशारा किया कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम में कुछ गड़बड़ की गई थी, जिससे किचन से बाहर निकलने वाली गैस लीक हो रही थी। किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को चालू करने से यहाँ तक कि एक लाइट बल्ब लीक को तेज करने के लिए काफी होगी। एक लाइटर या एक माचिस का बहुत इफेक्ट होगा। विस्फोट से पहले अवंतिका और कृपा ने अकेडमी के थ्रू एफिलियेटेड रेस्टोरेंट में अपनी ट्रेनिंग खत्म की थी। अवंतिका और किचन के बाकी स्टाफ ने बाहर अपना ब्रेक लिया, दूसरे वेटर्स के साथ बातचीत कर रहे थे और वे रश्मि के साथ वापस किचन में आए। गैस लीक होने की स्मेल रश्मि की नाक तक पहुंच गई और उसने महसूस किया कि जब वे चले गए थे तब क्या हुआ था। सभी को रोकने में उसे देर हो गई थी क्योंकि किचन के स्टाफ में से एक ने ओवन को चालू कर दिया था, जिससे विस्फोट हुआ और उसने पूरे रेस्तरां को हिला दिया। ये सब बहुत जल्दी हुआ। रश्मि ने अपने कोट को उतारा और जल्दी से अवंतिका पर लपेट दिया। कार के अंदर इंतजार करते हुए अर्जुन ने एंट्रेंस गेट के पास झुंड में अकेडमी के स्टूडेंट्स को इग्नोर कर दिया। उसका मूड केवल तभी अच्छा हुआ जब उसने अवंतिका को अपनी तरफ आते हुए देखा। अवंतिका ने खिड़की पर नॉक किया और अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। अंदर आ जाओ, अर्जुन ने कहा। अर्जुन की आंखें अवंतिका के मुस्कुराते हुए चेहरे को देख रही थी, हालांकि उसके कंधे तक लंबे बालों ने उसे एक्सीडेंट की याद दिला दी। अर्जुन को अचानक अपनी नफरत बढ़ती हुई महसूस हुई, क्योंकि उसने सोचा कि वो अवंतिका को और उसकी मुस्कान को खो देता अगर रश्मि ने उसे समय पर नहीं बचाया होता। अवंतिका बैक सीट पर उसके साइड में बैठ गई। अर्जुन, आप मुझे स्कूल तक लेने आए हैं? क्यों? क्या आपको मुझ पर एक सीक्रेट क्रश है? अगर मेरे पति को इसके बारे में पता चला ना तो वो बहुत गुस्सा होंगे।
अर्जुन के पतले होठों पर मुस्कान आ गई जब उसने अवंतिका के चेहरे पर हल्की सी धूप की झलक देखी और उस शरारती मुस्कान को देखकर जिससे उसे प्यार हुआ था वो शांत बना रहा, भले ही वो उन पिंक होठों पर किस करना चाहता था। ये गलत फहमी है, मुझे यकीन है कि तुम्हारे प्यारे पति को तुम्हें आज मेरे साथ शेयर करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अवंतिका ने उसे पास से देखा, एक हाथ अर्जुन के चिन को पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर कर दिया। उसने आखिरकार अभी कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहा। जैसे ही अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा तो अवंतिका ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें नीचे कर ली। अर्जुन ने अपनी सांसें रोक रखी थी जब अवंतिका के सॉफ्ट होंठ उसकी तरफ पड़ गए। अर्जुन ने एक हाथ उठाया, उसे अवंतिका के माथे पर रखा और अवंतिका को देखने लगा। अब क्या कर रहे हो? एटमॉस्फेयर आसानी से बदल गया जिससे अवंतिका कंफ्यूज और इरिटेट हो गई। मैं ये देख रहा हूँ कि एक्सीडेंट से तुम्हें चोट आई है क्या? क्या तुम बीमार महसूस कर रही हो अवंतिका? अर्जुन ने जवाब दिया। हंसते हुए अवंतिका ने उसका हाथ दूर कर लिया। आपको नाराज करने के लिए सॉरी, लेकिन मेरे प्यारे पति, भले ही मैं एक्सीडेंट में अपनी मेमोरीज खो दूं, मैं मरते दम तक आपको नहीं भूल पाऊंगी, समझे? अवंतिका ने हंसते हुए अर्जुन से कहा। उसे बहुत गलत महसूस हुआ। तो फिर आज रात को लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ देना है। अवंतिका ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उससे शादी किए हुए लगभग एक साल हो गया है, लेकिन फिर भी उसके खराब कमेंट से उसका ब्लश होना बंद नहीं हुआ था। वो अचानक उसे दूर करना चाहती थी और उसे समुद्र में फेंक देना चाहती थी। गाड़ी चलाओ, अर्जुन की गहरी आवाज ने कार के अंदर चुप्पी तोड़ दी और ड्राइवर ने एक्सेलेटर पर कदम रखा, एकेडमी से दूर चला गया। उनके पीछे जो स्टूडेंट अर्जुन के जाने के बाद से देख रहे थे और उन दोनों को साथ देखकर हैरान रह गए। कार के टर्न करते ही अवंतिका के फोन की घंटी बजने लगी। उसने इसे कैजुअल तरीके से उठाया जैसे कि उसे परवाह नहीं थी कि फोन करने वाला कौन है। हेलो मैडम, आपको मेरी मदद करनी होगी, रश्मि हमारी बात नहीं मान रही है, वो अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना चाहती है। अक्षय ने कॉल किया था और वो उनकी मदद चाहता था। उसकी आवाज काफी तेज थी जिससे कार के अंदर हर कोई उसकी बात को सुन सकता था, जबकि सपना उसकी पर्सनल अटेंडेंट थी। रश्मि अवंतिका के डेली शेड्यूल को मैनेज और ऑर्गेनाइज करती थी और फ्लेयर अपेरल से रिलेटेड बिजनेस अपॉइंटमेंट्स फिक्स करती थी। जब से वो अपने घावों और जलने के इलाज के लिए हॉस्पिटल में रह रही थी, सपना को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना पड़ रहा था। अक्षय ने जो कहा वो सुनकर अवंतिका हैरान हो गई और उसके पति की तरफ देखने लगी। अक्षय रश्मि के साथ क्या है? अवंतिका ने धीमी आवाज में पूछा। केशव ने आज उसे अपनी बहन को देखने के लिए रिक्वेस्ट की थी, अर्जुन ने जवाब दिया और अपना लैपटॉप खोला और वो काम फिर से शुरू किया जो वो आज खत्म नहीं कर पाया था। उसे कहो कि वो केवल तब तक ही घर जा सकती है अगर डॉक्टर उसे परमिशन देते हैं, तो नहीं तो उसे वहीं रहना चाहिए। अवंतिका को अपने बॉडीगार्ड्स की हेल्थ की भी केयर थी। वे अब जंगली भेड़ियों से अलग थे जो शिकार करके अपनी जिंदगी सर्वाइव करते थे, लेकिन भले ही वो उन्हें कंट्रोल करने में कामयाब रहे, उनके नुकीले नाखून अभी भी उतने ही तेज थे। अवंतिका ने कॉल खत्म होने से पहले देखा कि वे वापस इंपीरियल रेजिडेंस नहीं जा रहे थे। हलिंगम कहाँ जा रहे हैं? अवंतिका ने पूछा। अगर वे घर नहीं जा रहे थे तो अर्जुन उसे कहाँ लेकर जा रहा था? अवंतिका, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, अर्जुन ने कहा। तुम होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार व्यालम समय कहा।